हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन स्टूडेंट्स यहां आपको किंडर गार्डन मानी के से क्लास ट्वेल्व तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है दैट टू हंड्रेड परसेंट फ्री और हाँ स्टूडेंट्स अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिल जाएंगे और इसमें जो कॉन्टेंट है उसको और ज्यादा एफिशियंट और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है या कैटेगरीज में डिवाइड किया कह सकते हैं जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट एम सी क्यू बुकलेट थोरी बुकलेट एंड मेनी मोर तो अगर आपको बुक्स या ई e बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करो और सबमिट करो जैसे आप सबमिट करेंगे स्टूडेंट्स हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी राइट तो ये थे इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स अब हम कर रहे हैं आज की स्टडीज माय डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स हमने शुरू करी है आपकी क्लास फोर की मैथ्स की वर्कशीट स yes, स्टूडेंट्स एक बार हम आपका कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं तो वर्कशीट सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं ना तो हमें एक बार चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है छोटी छोटी सी चीजों को हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है राइट तो चलो हम कर रहे हैं चैप्टर थ्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ट्रिप टू भोपाल माने कहीं की जर्नी ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिप टू भोपाल राइट हम इसको पहले हम आज पार्ट वन करेंगे एंड देन वी विल डू द पार्ट टू तो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर थ्री का पार्ट वन ओके चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यस सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स गो टू पिकनिक राइट अब यहां पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद हम देखेंगे करना क्या है ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ बुन स्कूल आर गोइंग्रे तो चिल्ड्रे पे बुन्टू के स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं ठीक है बट ड्यू टू चिल्ड्रंस डे कब आता है स्टूडेंट फोर्टीन नवंबर चाचा नेहरू का बर्थ डे ठीक है जवाहरलाल नेहरू के बर्थ डे को हम एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं राइट बट ड्यू टू बैड वेदर इन द मॉर्निंग सम चिल्ड्रेन नॉट कम अब क्या हुआ? पिकनिक तो सारे बच्चों को जाना था लेकिन बैड वेदर की वजह से कुछ बच्चे स्कूल नहीं आए उस दिन नाउ द वेदर इज प्लेजेंट सो द स्टूडेंट हुआ फॉर द पिकनिक ऑन स्कूल बसेज जो बच्चे आए अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया तो जो बच्चे आए हैं वो पिकनिक में जाने वाले हैं बस से अब हम क्या करते हैं? चलो हम अटेंडेंस रिकॉर्ड देखते हैं कि कितने बच्चे थे उस दिन कितने आए और कितने थे? देखो ये attendance record है। नवंबर को एज अ चिल्ड्रन डे मनाया जाता है ठीक है हर साल फोर्टीन नवंबर को हम एज अ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो ये 2015 की क्लास का रिकॉर्ड है क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर एंड क्लास फाइव ठीक है तो क्लास वन में टोटल स्टूडेंट्स फोर्टी सिक्स हैं एबसेंट दो हो गए क्लास टू में टोटल स्टूडेंट्स फोर्टी है एब्सेंट फोर हो गए क्लास थ्री में फोर्टी एट टोटल स्टूडेंट एबसेंट नील माने कोई भी बच्चा एबसेंट नहीं था क्लास थ्री में क्लास फोर में फोर्टी स्टूडेंट्स थे टू एब्सेंट हो गए क्लास फाइव में फोर्टी टू स्टूडेंट्स थे और नील माने कोई भी एबसेंट नहीं है ठीक है तो आप देखो सबसे पहले हम रिकॉर्ड निकालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टोटल का दे दिया एब्सेंट कितने हैं ये दे दिया और प्रेजेंट कितने हैं ये हमको बताना है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है 46 स्टूडेंट्स में से टू एब्सेंट कर दो टू माइनस कर दो 46 कितने माइनस हो जाएंगे 46 45 बचेंगे 44 तो वर्बली कर सकते हो 46 ठीक है टू स्टूडेंट्स को माइनस कर दो सिक्स में से टू गया तो सिक्स फाइव फोर एंड फोर ऐसा कैसे आ जाएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो क्लास वन में फोर्टी फोर बच्चे प्रेजेंट थे उस दिन ठीक है टू एब्सेंट थे क्लास टू में फोर्टी बच्चे थे और फोर एब्सेंट है फोर्टी में फोर को माइनस कर दो आप देखो जीरो नहीं जाता कैरी ओवर लेंगे टेन में से फोर गया तो सिक्स यहां बचा थ्री थर्टी सिक्स तो क्लास टू में थर्टी सिक्स बच्चे प्रेजेंट थे उस दिन क्लास थ्री में फोर्टी एट बच्चे टोटल है निल माने कोई भी बच्चा एबसेंट नहीं था तो पूरे फोर्टी एट प्रेजेंट है फोर्टी थर्टी नाइन प्रेजेंट हुए थर्टी एट माइनस करके देखना थर्टी एट आएगा फोर्टी में से टू को क्लास फाइव में फोर्टी टू बच्चे हैं और कोई भी बच्चा एबसेंट नहीं है ठीक है तो फोर्टी टू पूरे के पूरे प्रेजेंट तो इतने टोटल बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं ठीक है ठीके? इतने टोटल थे इतने एबसेंट हुए और इतने प्रेजेंट हैं ठीक है ठीके? अब यह समझ में आ गया रिकॉर्ड अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे समझ गए आप दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दीज आर एब्सेंट दी दी स्टूडेंट्स एंड दीज आर दी प्रेजेंट स्टूडेंट्स ठीक है अब चलो इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यस राइट right. चलो ओके okay, तो पहला क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इनको प्लस कर दो पता चल जाएगा चलो प्लस करते हैं यहीं पे प्लस कर दो स्टूडेंट्स यस सिक्स प्लस एट 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 प्लस टू टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन वन कैरी ओवर और ये सिक्स आया फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस फोर कैलकुलेट करते जाओ फोर प्लस फोर एट एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर सिक्स फोर ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन फिर से करके देखो, देखो देखो फोर कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव जा ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन तो टोटल तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए टू वन सिक्स ठीक है तो टोटल क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर और क्लास फाइव में टोटल टू वन सिक्स बच्चे हैं टू हंड्रेड एंड सिक्स ठीक है तो पहला आंसर हमको पता चल गया कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज टू वन सिक्स है ना बहुत इजी बस हमने वो टेबल को देख के हमारा आंसर हमको मिल गया उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द स्कूल कितने बच्चे एबसेंट है यही देख लो ये एब्सेंट का रिकॉर्ड है फोर प्लस टू फोर फाइव सिक्स सिक्स प्लस टू सेवन एट तो टोटल तो कितने हैं बच्चे ठीक है बहुत सिंपल है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल अब ये प्रेजेंट की बात आ गई देखो ये टोटल की बात थी ये एबसेंट की बात थी एबसेंट हमारे कितने हुए थे एट अब प्रेजेंट कितने हैं टोटल तो 216 है लेकिन आठ उसमें से एब्सेंट हो गए तो कितने प्रेजेंट हुए सीधे देखो इसको भी प्लस कर सकते हो और एक और इजी बात इन दोनों को कर दो इसमें से 8 माइनस कर दो आंसर पता चल जाएगा 216 में से 8 माइनस कर दो जो आपको इजी लगे या तो इनको प्लस कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा या 216 में से 8 को माइनस कर दो टोटल में से एब्सेंट को माइनस करोगे तो प्रेजेंट पता चल जाएगा चलो करके देखते हैं टू वन सिक्स में से किसको माइनस कर दो स्टूडेंट्स एट को सिक्स छोटा है कैरी ओवर लेंगे सिक्सटीन में से एट गया एट बचा यहां बचा 0, ठीक है जीरो का जीरो आ जाएगा टू तो टोटल तो प्रेजेंट बच्चे उस दिन कितने थे टू हंड्रेड एंड एट ठीक है आ गया समझ में बहुत इजी था यस yes. बहुत इजी था तो हमारा आंसर आ गया प्रेजेंट कितने थे उस दिन 208 ठीक है अब देखो इफ ये भी सब में टोटल बच्चे हमें पता चल गए एबसेंट पता चल गया उस दिन कितने प्रेजेंट थे ये भी पता चल गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ ईच स्कूल बस हैज फोर्टी सीट्स आप बोलो पिकनिक बस से जाने वाले हैं हर बस में अगर फोर्टी सीट्स हैं देन हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट अब देखो ये हुई बात ना अब इसमें क्या करना है हमारे पास अगर टू हंड्रेड एंड एट स्टूडेंट हैं तो कितनी बस चाहिए पड़ेंगी उन बच्चों को पिकनिक पे ले जाने के लिए क्या करोगे आप देखो और हर बस में फोर्टी सीट्स है कितनी सीट है बस में फोर्टी सीट्स और बच्चे कितने हमारे पास टू जीरो एट ठीक है कुछ नहीं करना हमें निकालना है कि हर एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे फोर्टी सीट है ठीक है फोर्टी से डिवाइड, कर डिवाइड करोगे तो पूरा नंबर एक साथ लेंगे हम फोर्टी वन सा फोर्टी फोर्टी टू झा एटी फोर के टेबल में जीरो लगाते जाओ फोर्टी का टेबल हो जाएगा है ना फोर्टी थ्री फोर वन सा फोर फोर टू ऐट फोर थ्री ट्वेल्व फोर 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 फाइव ट्वेंटी फोर फाइवेंटी ठीक है तो वैसी फोर्टी फाइव टू हंड्रेड फोर्टी फाइव टू हंड्रेड नीचे आ गया आठ और ये कैंसिल तो फाइव बसेस लगेंगी बच्चों को ले जाने के लिए लेकिन फाइव बच्चे बसेस में बैठ जाएंगे फोर्टी फोर्टी बच्चे लेकिन उसके बाद एट स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग आठ बच्चे फिर भी बचेंगे ठीक है ठीक है ये हमारा टोटल प्रेजेंट बच्चों का हिसाब हो गया तो कितनी लगेंगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ठीक है राइट तो ये हमारा आ गया आंसर फाइव बसेस आर रिक्वायर्ड ठीक है और फाइव बसेस में भी हमारे कितने बच्चे बच जाएंगे हमारे बच्चे आठ बच्चे बच जाएंगे जो बस में नहीं बैठ पाएंगे ओके okay, स्टूडेंट्स एक बार हम जस्ट चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं ठीक तो है टू जीरो एट ठीक है तो फाइव जीरो अच्छा अब देखो मैम एक इजी मेथड बताती अब ये डिवाइड हमने कर लिया अब आपको लग रहा है यार हमने गलत तो नहीं किया तो आपको चेक करने कैसे करते हैं हम डिवाइड आप क्या करोगे आपको जिससे डिवाइड करना है उससे आपका जो आंसर निकला है उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो रिमाइंडर बचा है उससे प्लस कर दो ठीक है फोर्टी मल्टीप्लाई बाय फाइव टू हंड्रेड टू में 8 का प्लस करोगे तो आ जाएगा 208 मतलब हमारा डिवाइड बिल्कुल सही है ठीक है स्टूडेंट्स तो हमें कितनी बसेस चाहिए पड़ेंगे 208 स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए फाइव बसेस उसके बाद भी एट बच्चे छूट जाएंगे ठीक है इतना समझ में आया आपको डेटा जो हमारे पास था उससे हमने पूरा सॉल्व कर लिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस अब ये सब मैडम हटा देती है यस अब देखो हमने पूरा सॉल्व कर लिया था कितने क्या बच्चे थे अब देखो और हमें कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द चार्ट अब चार क्वेश्चंस तो हमने कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो

तो अगर एक बस में फोर्टी बच्चे बैठ सकते हैं और फाइव बसेस हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे फोर्टी को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो फाइव 0 0, जीरो बच्चे बैठ पाएंगे टू हंड्रेड तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट सीट्स टू हंड्रेड स्टूडेंट्स विल गेट सीट्स ठीक है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव नो सीट्स कितने बच्चों के पास कोई सीट नहीं होगी हमने देखा था ना जब 40 को डिवाइड करा था 208 से तो फाइव आंसर आ गया था आठ बच्चे नीचे बच रहे थे तो उन आठ बच्चों के पास सीट नहीं होगी आए ना हमने पहले सॉल्व कर लिया है ना टू जीरो टोटल बच्चे प्रेजेंट थे उनको हमने फोर्टी से डिवाइड कर दिया हमारा आंसर क्या है फाइव मैंने फाइव बसेस चाहिए पड़ेंगी उसके बाद भी आठ बच्चे बच जाएंगे क्योंकि 40 40 बच्चे ही बैठ सकते हैं एक बस में ओके स्टूडेंट्स ओनली फोर्टी स्टूडेंट्स कैन सिट इन वन बस तो फाइव बसेस में टू हंड्रेड बैठ जाएंगे लेकिन हमारे पास बच्चे हैं टू जीरो जगह नहीं होगी बैठने की ठीक है अब देखते हैं आगे कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सीट्स रिक्वायर्ड इन ईच बस सो दैट नो चाइल्ड विल बी लेफ्ट विदाउट सीट टोटल आठ बच्चे बच बच्च रहे हैं ठीक है अब आपको ये बोल रहे हैं क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इन ईच बस हर बस में कितने सीट और बढ़ा दी जाए जिससे कि कोई भी बच्चा विदाउट सीट ना रहे हमारे पास आठ बच्चे बच बच्च रहे हैं लेकिन हमारे पास पांच बसेस हैं ठीक है तो कैसे डिवाइड करोगे अगर टू टू भी करोगे तो फाइव बसेस हैं हमारे पास तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू. फोर बसेस में ही हमारे बच्चे अकोमोडेट हो जाएंगे एक बस में अकोमोडेट करने की जरूरत ही नहीं है तो कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सीट्स रिक्वायर्ड इन ईच बस सो so येस yes, हम टू टू सीट्स एक्स्ट्रा अगर कर दें हर बस में तो हमारे एट बच्चे अकोमोडेट हो जाएंगे है ना स्टूडेंट्स जिसमें से एक बस में अगर जरूरत नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा सीट बढ़ाने की जरूरत पड़े हम फोर बसेस में अगर टू टू सीट बढ़ा देंगे तो हमारे पूरे आठ बच्चे जो कि जिनके पास सीट नहीं थी वो अकोमोडेट हो जाएंगे अंडरस्टर्ड तो देखा हमने अटेंडेंस के रिकॉर्ड से हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आया ना मजा अपने आप करके एक बार मैम की वीडियो देखना उसके बाद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास अजय विजय एंड सुमित तीन बच्चे हैं कौन कौन अजय विजय और सुमित ठीक है एट एट डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड ऑफ अ टॉल टॉल बिल्डिंग बिल्डिंग तीनों एक ऊंची बिल्डिंग पे अलग अलग जगह पे खड़े हैं ठीक है विजय स्टैंड एट द हाइट ऑफ ट्वेंटी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विजय कहां खड़ा है हाइट ऑफ ट्वेंटी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स और विजय यहां खड़ा है मैंने जमीन से उसका जो डिस्टेंस है वो ट्वेंटी मीटर्स है ठीक uh, है देन अजय स्टैंड फाइव मीटर बिलो फ्रॉम विजय स्टैंडिंग अजय कहां खड़ा है विजय से फाइव किलोमीटर नीचे ठीक है सुमित स्टैंडीन मीटर अब फ्रॉम वेयर विजय स्टैंडिंग अब जहां विजय खड़ा है सुमित उससे फिफ्टीन किलोमीटर ऊपर खड़ा है अंडरस्टूड देख के समझ में आया बड़ी सी बिल्डिंग है तीनों फ्रेंड्स अलग अलग जगह खड़े हैं सब ये ग्राउंड लेवल है सबसे पहले अजय खड़ा हुआ है अजय से ऊपर विजय खड़ा है विजय से ऊपर सुमित खड़ा है तो जो विजय का डिस्टेंस दिया है ट्वेंटी किलोमीटर अजय ये बोला है कि वह विजय से फाइव किलोमीटर नीचे खड़ा है और विजय से सुमित फिफ्टीन किलोमीटर ऊपर खड़ा है इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया अब हम इसे देखकर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने अटेंडेंस देख के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो अब ये जो आपने डायग्राम देखा यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बेसिस पे हम आंसर सॉल्व करेंगे ठीक है है इसको अच्छे से देख लिया चलो अब देखते हैं स्टूडेंट्स यस पहला हमारा क्वेश्चन वट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग की क्या हाइट है तो अब बहुत इजी है देखो बिल्डिंग की हाइट हमें दी है फिफ्टीन किलोमीटर और विजय का डिफरेंस ठीक है कितना डिफरेंस है 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर हुआ ठीक है और 15 विजय से नीचे तक का डिफरेंस हो गया 20 किलोमीटर ठीक है देखो अजय विजय कहा है 20 मीटर अबव द ग्राउंड विजय 20 किलोमीटर था और विजय से सुमित का डिफरेंस 15 किलोमीटर था मानिए पांच किलोमीटर तो बीच की बात है नीचे से विजय और विजय से सुमित पूरी बिल्डिंग का हमें पता चल जाएगा फाइव टू प्लस वन थ्री तो टोटल बिल्डिंग हुई थर्टी फाइव मीटर्स की ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन देखो ये मत देखो अभी आप टोटल ये देखो सुमित से विजय और विजय से नीचे तक कितना हो गया ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव मीटर्स तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई थर्टी फाइव मीटर्स अंडरस्टूड हमने विजय अजय और ग्राउंड का डिफरेंस पता कर सुमित से विजय और विजय से ग्राउंड का डिफरेंस पता कर लिया जो है 35 फाइव मीटर्स सेकेंड क्वेश्चन देखो अजय स्टैंड एट अ हाइट ऑफ डैश मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड अजय ग्राउंड से कितने दूर खड़ा है ग्राउंड ये है अजय अजय ग्राउंड से इसका क्या डिस्टेंस है देखो ग्राउंड से विजय का डिस्टेंस दे दिया अजय से विजय का डिस्टेंस दे दिया लेकिन ये क्या डिस्टेंस है बहुत सिंपल ग्राउंड से विजय का डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी है ना ये ट्वेंटी ओके okay. और विजय और अजय के बीच का है फाइव मीटर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो नीचे का पता चल जाएगा चलो करते हैं ट्वेंटी माइनस फाइव जीरो कैरी ओवर लो टेन में से फाइव गया तो फाइव यहां बचा वन फिफ्टीन तो ग्राउंड से अजय का डिफरेंस हुआ फिफ्टीन मीटर्स कितना हुआ अजय हाइट ऑफ़ मीटर्स फ्रॉम दी ग्राउंड ग्राउंड से अजय का डिस्टेंस हुआ 15 समझ में आया ना स्टूडेंट्स? ये देखिए हमें टोटल ग्राउंड से विजय का डिस्टेंस पता था ट्वेंटी मीटर अजय से विजय का डिस्टेंस था फाइव मीटर अब अजय से ग्राउंड का पता करना है तो ट्वेंटी मान पूरे में से इतने को इतना है इतने में से इतना माइनस करोगे तो ये पता चल जाएगा ठीक है तो ग्राउंड से अजय का डिफरेंस हमें पता चला मीटर्स चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ़ सुमित एंड अजय डिफरेंस बताना है सुमित और अजय के बीच का चलो देख लेते हैं भैया सुमित खड़े हैं यहां अजय खड़े हैं यहां ठीक है अंडरस्टूड अब सुमित से अजय के बीच का डिफरेंस बताना है हमको ठीक है आप देख लो वेरी इजी अजय से विजय का डिफरेंस कितना है फाइव मीटर है ना अजय से सुमित के बीच का डिफरेंस बताना है अजय से विजय के बीच का डिफरेंस कितना है फाइव मीटर और विजय से सुमित के बीच का डिफरेंस कितना है फिफ्टीन मीटर प्लस कर दो भैया फाइव फाइव टेन टू ट्वेंटी कितना आया ट्वेंटी तो अजय से सुमित का डिफरेंस कितना आ गया टोटल ट्वेंटी मीटर्स ठीक है स्टूडेंट्स राइट चलो आंसर लिख लेते हैं हम हाँ, यस yes. या थोड़ा इसको मैम हटा ठीक है तो कितना डिफरेंस हुआ अजय से सुमित तक का ट्वेंटी मीटर अब आप देखो ये ट्वेंटी मीटर है टोटल बिल्डिंग ट्वेंटी फाइव है आ जाएगी हाइट ग्राउंड से वहां जहां खड़ा है वो फिफ्टीन मीटर है और अजय और सुमित का डिफरेंस है ट्वेंटी मीटर्स अब आप देखो हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया हमने देखा अजय और सुमित के बीच का डिफरेंस हमारा निकला ट्वेंटी मीटर्स ठीक है ट्वेंटी मीटर्स निकला और हमारे नीचे का डिफरेंस कितना निकला था अजय का और उसका ग्राउंड का फिफ्टीन मीटर फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थर्टी फाइव माने हमारा आंसर बिल्कुल सही है ठीक है पूरी बिल्डिंग 35 मीटर की है ग्राउंड से अजय का डिस्टेंस 15 था और सुमित और सुमित अजय का डिफरेंस 50 20 मीटर है अंडरस्टूड समझ में आया आपको पूरा है ना अब एक बार जैसे मैम ने सॉल्व किया एक बार मैम की वीडियो देखना उसके बाद खुद सॉल्व करके देखना बहुत इंटरेस्टिंग है जो डेटा दिया है बस उसे देख के ही आपको क्वेश्चन पढ़ना सॉल्व करते जाना है राइट right? चलो आप आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व मेंटली मैंने फटाफट आपको सॉल्व करना है ठीक है क्योंकि ये मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है जो आपको फसा फटाफट सॉल्व करने होते हैं एंड ऑटो रिक्शा हैज थ्री व्हील्स एक ऑटो रिक्शा में थ्री व्हील्स हैं ठीक है एट ऑटो रिक्शाज विल हैव हाउ मेनी व्हील्स तो एट ऑटो रिक्शाज में क्या होंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय एट जल्दी से थ्री का टेबल बोल दो थ्री एट जा ट्वेंटी फोर तो आंसर विल बी 24 wheels. कुछ नहीं करना एक ऑटो रिक्शा में तीन हैं. तो ऑटो रिक्शाज में कितने होंगे? 3 को 8 से कर दो, 24 ओके? Next. A goat has legs. एक बकरी के फोर हैं, चार पैर हैं तो थ्री हंड्रेड गोट्स के कितने होंगे सीधे सीधे थ्री हंड्रेड को फोर से मल्टीप्लाई कर दो कैसे करेंगे चलो देखते हैं थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर फोर जीरो ऑटो रिक्शा के बारे में दिया था और एट के बारे में वन ऑटोरिक्शा के बारे में दिया था और एट ऑटोरिक्शा के बारे में पूछा है <coughs> मैंने कम का दिया है ज्यादा का पूछा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम इन वन गोट के बारे में दिया है और थ्री हंड्रेड गोट्स के बारे में पूछा है कम का दिया है ज्यादा का पूछा है तो हम क्या करेंगे यहां पे भी मल्टीप्लाई तो 300 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया 1200। हंड्रेड एक गोट के वन गोट हैज गॉट फोर लेग्स तो 300 हंड्रेड गोट्स हैव गॉट ट हंड्रेड लेग्स बारह सौ पैर होंगे तीन सौ बकरियों के ठीक है नेक्स्ट देखो एंड अलमेरा कॉस्ट टू थाउजेंड रुपीज एक ऑफ था अलमीराज वन अलमेरा हैज गॉट टू हंड्रेड तो थ्री अलमेराज का क्या होगा एक का दिया है ज्यादा का पूछा है मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थाउजेंड को थ्री से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स थ्री जीरो जीरो थ्री जीरो जीरो थ्री ठीक थ्री जीरो जीरो टू थ्री जिक्स तो आंसर आ जाएगा सिक्स थाउजेंड रुपीज सिक्स थाउजेंड ठीक है वन अलमीरा का कॉस्ट काउजेंड है तो थ्री अलमीरा का कॉस्ट हो जाएगा सिक्स थाउजेंड ओके किया ना फास्ट एक का दिया ज्यादा का पूछा हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स चलो आगे पहुंचते हैं yes. यस आप मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है फटाफट करना है टेन लेस देन थ्री फिफ्टी एट अब हमें देखो यहां पे या तो हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है लेस माने कम मोर माने ज्यादा हमेशा याद रखो द मीनिंग ऑफ लेस इज कम करना लेस करो एंड द मीनिंग ऑफ मोर इज ज्यादा ज्यादा करो ठीक है तो जहां जहां लेस करना लिखा है वहां हमें माइनस करना है और जहां जहां मोर लिखा है वहां हमें प्लस करना है ओके स्टूडेंट्स टेन लेस देन थ्री फिफ्टी एट 358 में से 10 को लेस करना है मैंने 10 को माइनस करना है 8 में से 0 गया 8 5 में से 1 गया 4 3 का 3 तो आंसर आ जाएगा हमारा 348 ओके स्टूडेंट्स लुक स्टूडेंट 100 मोर देन वन नाइनटीन इसमें 100 मोर करना है मैंने 100 प्लस करना है क्या करना है हमको हंड्रेड प्लस कर दो वन नाइन वन नाइन जीरो एट में हंड्रेड प्लस कर दो मोर मतलब प्लस लेस माने माइनस एट जीरो नाइन प्लस वन टेन वन कैरी वन कैरी ओवर चला जाएगा वन प्लस वन टू तो हमारा आंसर आ जाएगा टू जीरो जीरो एट ठीक है नेक्स्ट इज वन मोर देन नाइन 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 में वन मोर करना है माने प्लस करना है वर्बली कर लो 999 में वन okay? तो प्लस कर दो करके देखना तो 999 आप करके देखना स्टूडेंट्स राइट ओके सो लेस करना है प्लस करना है ठीक है थीके? चलो आगे बढ़ते हैं यस ओके स्टूडेंट्स सो द क्वेश्चन व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग डिजिट्स टू एट फाइव डू नॉट रिपीट द डिजिट हमारे पास तीन डिजिट है 285 ठीक है हमें इन्हें तीनों को मिला के नंबर्स बनाने और याद रखना कोई डिजिट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 285 सूरज इसके लिए ट्रिक है तीनों नंबर में से तीनों को एक-एक बार सेंटर में ले आओ एक बार ले आओ 2 को बीच में एक बार 8 को बीच में एक बार 5 को बीच में ट्रिक बता रही है मैम आपको क्या अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करोगे तीनों नंबर को भी एक बार मिडिल में ले आओ लिख लिया वर्टिकली अब लिख लो पहले टू बीच में है तो कौन से कौन से नंबर बच गए फाइव और एट एक नंबर हो गया अब एट बीच में है तो कौन कौन से नंबर बच गए टू और फाइव फाइव बीच में है तो कौन कौन से नंबर बच गए एट और टू कोई भी नंबर रिपीट हुआ फाइव ट्वेंटी एट टू एट्टी फाइव एट फिफ्टी टू कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं हुआ तो हमने कितने नंबर्स बना लिए थ्री नंबर्स वेरी इजी तीनों नंबर्स को बीच में लिख लो आजू बाजू जो नंबर बच गए उनको लिखते जाओ बट तो रिपीट नहीं करना है ठीक है स्टूडेंट्स अगर हम इसको वाइस वर्षा कर लेंगे तो वो रिपीट हो जाएंगे तो हाउ मनी नंबर डिड यू मेक वी हैव मेड थ्री नंबर्स विच राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यू हैव मेड ग्रेटेस्ट माने बड़ा नंबर इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एट फिफ्टी टू एट हंड्रेड फिफ्टी टू राइट द स्मॉलेट नंबर इन तीनों में से स्मॉलेट नंबर कौन सा है टू हंड्रेड एंड एन आया मजा तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए आप ऐसे सॉल्व करके देखो जितने नंबर दिए उनमें से सबको एक एक बार आपको बीच में डालना है और आजू बाजू जो नंबर बच गए उनको पहला और बाद में लिखते जाओ याद रखना रिपीट नहीं करना ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहां खत्म हुआ हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ओके okay, तो हमने बड़े अच्छे से सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन सोल्व रे डेटा देख के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया राइट right, स्टूडेंट्स तो ये पूरा आपको जो एक्सप्लेनेशन है हमारे चैप्टर थ्री की वर्कशीट का वो आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर और मैग्नेट ब्रेन के ऐप पर मिल जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो देखो वर्कशीट और सॉल्व करो फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट टू के साथ टिल देन बाय टेक केयर